आपको आज का ये खास एपिसोड फीचरिंग दर्शन रावल कैसा लग रहा है, जरूर मुझे फेसबुक या ट्विटर पर आरजे उर्मिन के नाम से अपनी बातें बताएं। एंड दर्शन, वुड यू लाइक टू शेयर योर ट्विटर हैंडल टू? माय इज दर्शन रावल DZ। DZ क्या है अब? वो डिप्जिप का। हां, डिप्जिप। अच्छा, इनके बैंड का जो शॉर्ट फॉर्म है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू गॉट सम ग्रेट फॉलोअर्स है सच्ची में। आपको मतलब देखते रहते हैं क्या कर रहे दर्शन। क्या स्टॉकर्स कभी मिले हैं लाइफ में? मतलब उनको हर चीज पता होती है मेरे बारे में। और मैं जब देखता हूँ कभी कभी मेरे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे मेरे पास जो पिक्चर्स नहीं उनके पास पिक्चर्स पहुंच जाते हैं। ये कैसे हुआ वो मुझे ही नहीं पता। मतलब कहीं मेरे स्कूल टाइम के पिक्चर्स हैं, कहां कहां से वो लोग ढूंढ लेते हैं एंड मेरे शो के बारे में अपडेटेड। मतलब मुझे आई एम हैप्पी टू सी कि मेरे पास पिक्चर्स नहीं होते मेरे शो के एंड आई सी कहां मैं ये सेव कर लेता हूं। हाउ नाइस इज दैट, सो स्वीट ऑफ देम। एक्चुअली कितना सारा प्यार मुझे मिल रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। सच्ची में ये आपके सारे फैंस है उनके लिए भी परफेक्ट लाइन है कि फिर भी ना माने बदतमीज दिल आपके पीछे पड़े रहे। हाउ नाइस। एंड आई एम हैप्पी कि वो पड़े रहे मेरे पीछे। आई लव देम सो मच। लवली। अच्छा, इस शो में आपने खुद शूटिंग भी की है। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम शूट विद मेहर एंड अबीर, इज दैट ट्रू? आई हैव बीन लाइक आई हैव बीन डूइंग समथिंग विद डिजिटली, वी हैव डन एन अनप्लग्ड थिंग दैट इज कमिंग आउट सून। अच्छा जी, सो आई हैव बीन डूइंग दैट। वंडरफुल, वंडरफुल। एंड आई थिंक वी हैव बीन स्ट्रेचिंग दिस सॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं चाहूंगी कि इस गाने को आप हमारे लिए अनप्लग प्ले करें। बिल्कुल। और कुछ सुनाने से पहले इसके लिरिक्स के बारे में हमें बताएं। तो इस गाने के लिरिक्स यही है कि इंसान के पास जो रह जाते हैं वो है निशान। तो निशान इज लाइक यू गेट हर्ट राइट बट यू लाइक। इसमें इस गाने में ये कहा गया है कि जो प्यार में इंसान को निशान मिलते हैं दे गेट हर्ट बट स्टिल दे लव। लाइक पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको कुछ भी हो जाए प्यार में बट यू शुड ऑलवेज फॉल इन लव एंड गिव लव अ सेकंड चांस। और हमेशा प्यार करते रहो। वो सामने आपको अगर निशान मिल रहे हैं तो यू शुड टेक दैट निशान पॉजिटिवली। तो तुम निशान पाने के लिए कब रेडी होंगे? मैं बस थोड़ा और बड़ा हो जाऊं। ओके। नो 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 ना 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 झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना बल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे हमनवा प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। नो 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 सजदे मैं तेरे सर झुकता बस चाहत की है ये दास्तां। रूठ गया मेरा रब जो मुझसे तुम मिटा दे वो मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, जी। उर्मिन फीवर अनप्लग्ड पर आज के हमारे खास मेहमान, खास गेस्ट, खास सेलिब्रिटी दर्शन रावल। दर्शन, हाउ डू यू फील बीइंग कॉल्ड अ सेलिब्रिटी नाउ? मुझे बड़ा अलग लगता है बट आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट क्योंकि मेरे साथ आई एम द सेम। वही मेरे साथ, वही सुबह है, वही मेरा गिटार है, वही म्यूजिक है, सो एवरीथिंग इज सेम ब्यूटीफुल। बट हाँ, इतना है कि बस पहले जो मेरे साथ कुछ कम लोग थे मुझे सुनने वाले, आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर मैं गाना शेयर करूँ तो दिल लव, दिल एक्सेप्ट व्हाट आई एम डूइंग, दिल लविंग मी बैक। सो इतना चेंज है, बाकी एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल सेम। जब आपने पहली बार आपका जो गाना है मेरी पहली मोहब्बत ये परफॉर्म किया था, डिड यू रियलाइज कि इतना पागलपन छाएगा इसके लिए, इतना लोगों को याद रहेगा? कभी नहीं। आई रिमेम्बर के
बारिश का मौसम ही था वो, एंड मैंने घर पे मेरे स्टूडियो के रूम के अंदर आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई वाज मेकिंग सॉन्ग और बस बन गया एंड आई वाज हैप्पी एक्साइटेड. मैं कूद के बाहर गया, मेरी मॉम को सुनाया, बोले इट्स वेरी गुड, अच्छा गाना है यार, अच्छा है. मेरी कोई भी गाना होता है मैं मेरी मॉम को सबसे पहले सुनाता हूँ. okay. तो उनके रिएक्शन से मुझे पता चल जाता है कि इस गाना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अच्छा. कैसा है. आई सी ऑन यूट्यूब के छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसका कवर्स करते हैं. सो देयर वाज अ टाइम जब मैं भी खुद कवर करता था और मैं आई वॉज होपिंग कि समडे मतलब मुझे लोग पहचाने जाने मेरे गानों के ना. आई फील वेरी वेरी हैप्पी आज जब मैं मेरे कवर्स देखता हूँ. लवली लवली. वैसे आप अभी भी खुद कवर्स करते हैं? हाँ अभी तक. आई यूज्ड टू डू, मेरा लास्ट कवर था जीना जीना. जो लोगों ने बहुत पसंद किया. आई थिंक वी शुड हियर इट राइट नाउ. सीरियसली मौसम बढ़िया है, दर्शन हमारे साथ है एंड यस जीना जीना को भी 77,000 आई थिंक प्लस लोगों ने व्यू किया है. इट्स लाइक नाउ 2 million. ओ माई गॉड सॉरी, पता नहीं मैं कौन से टाइम पर कह रही थी. मुझे लगता है हर बार मैं बात कर रही हूँ 1 million बढ़ रहा है. तो आपको बात करते रहना चाहिए. दिस सॉन्ग इज फॉर उन लोगों के लिए गाना है जो आपको जिंदगी में कभी ना कभी कुछ सिखा गए हैं. सच्ची सी है ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम. आसमां मिला जमी को मेरी आधे आधे पूरे है हम. तेरे नाम मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना. हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना. ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. हमारे जो सिंगर है वो अहमदाबाद से है, यानी कि बहुत सारा गुजराती प्यार अब मिलने वाला है हमें. फीवर ऑन प्लग पर मैं हूँ आरजे उर्मिन, दर्शन रावल टुडे ऑन द शो. एंड दर्शन, अहमदाबाद में जब आप गाने गाते थे स्कूल में कॉलेजेस में, तब कैसा रहता था माहौल? वुड यू ऑल्सो यू नो टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग? मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में हारा हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जीता हूँ. इट्स बीन फन. और मैं बहुत सारे मतलब मैं जितने भी टैलेंट हंट्स होते थे उन सब में मैं पार्ट लेता. एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड नोइंग मी मेरे इन गुजरात अहमदाबाद में. मैं हर रॉक बैंड कॉम्पिटिशन में मेरे बैंड के साथ पहुंच जाता था, कुछ भी अगर सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता था. एंड दे यूज टू लव मी एंड मुझे सपोर्ट करते थे. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ओह माय गॉड. बट ये अहमदाबाद से मुंबई की जर्नी जब हुई, तब फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन कैसा था? मेरे डैड, आई टेल यू, जैसे मैंने 1.5 साल के इंजीनियरिंग के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं मुझे नहीं करना चाहिए, तो एक दिन मैं सीधा घर पे गया. मैंने डैड को कहा कि आई डोंट वांट टू डू इट. तो वो शॉक, बोले क्या क्या नहीं करना है? बोले मैं इंजीनियरिंग नहीं करना है. तो वो शॉक्ड कि आज तक कभी तूने बोला नहीं. मैंने बोला मैं एक भी लेक्चर्स अटेंड नहीं करता, मैं गिटार के साथ बैठा रहता हूँ. तो आई डोंट वांट टू फूल यू अराउंड, मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है. कुछ भी होगा म्यूजिक करूंगा तो खुश रहूंगा. अगर 5 साल बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, बट आई विल बी हैप्पी. अगर 1,000 रुपए मुझे मिलेगा तो आई लिव दैट वे, बट आई डू म्यूजिक. अब 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं? I'll be doing, मैं खुद का म्यूजिक बनाऊंगा. आई हैव ऑलवेज सीन माई सेल्फ, मैं एक हर एक का सपना होता है, वो सपना बड़ा होना चाहिए. तो आई हैव ऑलवेज सीन माई सॉन्ग्स एट इंटरनेशनल लेवल. कुछ अलग अब हो जाए, कुछ समथिंग डिफरेंट. सो ये जो है मैं गुजराती में कुछ शुरू करूंगा. सो उसका मतलब ये है कि आप जिस इंसान को प्यार करते हैं, आप उससे थोड़ा मतलब थोड़ा दो अपने हाथों को जोड़ के अगर मांगेंगे तो सामने वाला अगर आपको प्यार करता है तो पूरा समुद्र दे देगा. सावरियो मारो हूँ तो खोबो मांगू ने दई दे दरियो 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 दरियो. सावरियो मारो हूँ तो खोबो मांगू ने दई दे दरियो 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 दरियो. ओ सावरियो मारो हूँ तो खोबो मांगू ने दई दे दरियो 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 दरियो. पहली नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया.
पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूं यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। मैं हूं यहाँ और तू ही यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। सावरियो मारो हूँ तो खोबो मांगू ने दई दे दरियो 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 हूँ तो खोबो मांगूने गुने गुने दई दे दरियो। अरे दई दे दरियो। सुपर। अब आपको गुजरात आना पड़ेगा, अहमदाबाद आना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज आई गेट ग्रेट फूड एंड ग्रेट म्यूजिक। दर्शन रावल फीवर 104 FM पर, मैं हूँ आरजे उर्मिन। जी हाँ, फीवर अनप्लग पर दर्शन रावल आज हमारे साथ गिटार के साथ पूरे तैयार। दर्शन, दिस इज वंडरफुल। गिटार कब सीखा आपने? मैंने गिटार 4 साल हो गए। हाँ। और यूट्यूब से ही मैंने गिटार सीखा है। मैं कहीं सीखने नहीं गया हूँ मैं। और म्यूजिक की तालीम आपने कहाँ से ली? म्यूजिक मैंने कहीं सीखा नहीं है। वाओ। एंड इट ऑल स्टार्टेड, मैं आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल। ओके। तो वहाँ पे एक हॉल हुआ करता था, तो जहाँ पे शाम को जो वहाँ पे जो काम करते थे लोग, वो हारमोनियम लेके दे यूज्ड टू सिट। एंड मैं मेरे घर से दूर था, सो मुझे अगर होम सिकनेस होती थी, मैं वहां जाके आई यूज्ड टू सिट। और वहाँ पे रिवर्ब आता था, सो बड़ा सुकून सा लगता, तो मैं वहाँ पे बैठ के आई यूज्ड टू लिसन। और मेरे डैड राइटर हैं। अच्छा जी। तो उनसे आई गेस लिखना तो उनसे ही आया है, तो मैंने गाना सुनना शुरू किया। क्या बात। अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स को सुना, इंटरनेशनल म्यूजिक सुना। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिटार, मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया और खुद के गाने लिखना। पहले से मुझे लिखना अच्छा लगता था और उसपे मैंने धुन देना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वाओ, सेल्फ मेड सिंगर इसे कहते हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट मैशअप दैट यू वांट टू डू? खिड़की की बात की है तो उससे मुझे कुछ याद आया सवाल। अक्सर ये लोगों के साथ होता है, अच्छा फंस जाते हैं उसके बाद। तो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अब सोच ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मैं रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठ घाट का, आजकल देर मेरे प्यार के चर्चे हैं जबान पर, सबको मालूम है या सबको खबर हो गई क्या? आजकल देर मेरे प्यार के चर्चे हैं जबान पर, सबको मालूम है या सबको खबर हो गई। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुंगरू बन के घुंगरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। Oh.
दर्शन रावल वैसे आज हमारे शो पर एक खास वजह के लिए आए हैं। एक नया नवेला शो है जिसका नाम है फिर भी ना माने बदतमीज दिल, जो कि शुरू हुआ है 29 जून से। हर रोज रात 8:30 बजे आप इसे देखते हैं स्टार प्लस पर। इस शो में कई गाने हैं जो दर्शन ने गाए हैं एंड ही इज बीन शेयरिंग दोस सॉन्ग्स विद अस आल्सो। दर्शन, 4 गाने आपने रिकॉर्ड कर लिए, अब 5वें गाने की ओर बढ़ रहे हो आप। जी हाँ। So how is it? How is the experience being? Yeah, seriously. So basically, अभी तक मैं एक मेरे जोन में था जहाँ पे मैं खुद के गाने लिखता हूँ बनाता हूँ। But this was a very different zone जहाँ पे मुझे एक और कैरेक्टर जीना है, किसी और ने कंपोज किया है, किसी और ने लिखा है। So I have to understand them, उनके क्या इमोशंस हैं, what do they want out of me, and मुझे किस तरह से गाना है, मुझे कौन सा टोन यूज करना है, कौन से मूड में रहना है। So it was lovely कि मैं ये सारी चीजें सीख रहा हूँ एंड एवरी सॉन्ग इज मेकिंग मी लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप आतिफ असलम के कितने बड़े फैन हैं? मैं आई लव हिज सॉन्ग्स, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, और मुझे हमेशा लोग ये कहते रहते कि मेरा आवाज उनसे बहुत मैच करता है। एग्जैक्टली आतिफ असलम, तो आई फील कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा टोनल क्वालिटी इज समवेयर व्हाट लाइक देम। डू यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट या फिर आपको लगता है कि सुपर्ब सिंगर, बहुत सारा प्यार उनको मिला है, और अगर मुझे उनके साथ अगर मुझे कहीं भी जोड़ रहे हैं, सो आई डेफिनेटली फील गुड। सो वन सॉन्ग जो आप गाना चाहेंगे उन सभी के लिए जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और उनको एक थैंक यू की तरह बोलना चाहते हैं, वो कौन सा होगा? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी भी है। जब मुझे गाना दिया गया था रॉस्टार के अंदर, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं गाऊंगा, पुराना गाना नहीं गाऊंगा, ये नहीं गाऊंगा, मैं बदल दूंगा। तो वो फिर मुझे समझाया गया था कि इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ये गाना बहुत बड़ा हिट था जब आया था जी, तो मैंने ट्रस्ट किया एंड आई डिड इट। और मुझे ये फ्रीडम दी गई कि अपने हिसाब से करो, तुम फिर देखो लोग प्यार करेंगे। और ये मैंने गाना जब किया रॉस्टार के अंदर, तो मुझे नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे यूएस से मैसेजेस आ रहे थे दैट दे हैव लव्ड द सॉन्ग। अकेले तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे दो है हम कब से सनम, तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी, तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी, अब न जा कहीं आ मेरी जिंदगी, ऐ मेरे हसी अब न जा कहीं आ मेरी जिंदगी, आ नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, आ नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, ओ आ नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, आ नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी। टू मच यार, टू मच दर्शन, सच्ची में आज दर्शन हो गए हैं इनके, एंड इनकी आवाज से और भी प्यार होने लग गया है। सो थैंक यू वेरी मच, वेलकम, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी विद यू। थैंक यू सो मच, इवन आई लव्ड टू बी हियर। क्या बात है। तो चलिए, फीवर अनप्लग्ड पर ये थे दर्शन रावल, और कुछ ऐसे ही बढ़िया कलाकार आर्टिस्ट के साथ मैं लौटूंगी अगले वीकेंड आपके शो फीवर अनप्लग्ड पर। टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग, स्टे अनप्लग्ड विद म्यूजिक, क्योंकि ऐसे ही तो बनता है म्यूजिक का मूड। आप पहली मोहब्बत में बिलीव करते हैं? ये पहली मोहब्बत जो है ना, बहुत खास रहती है। एक बार किसी से पहली बार मोहब्बत हो जाए तो वो साथ सदियों से रहता है। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आरजे उर्मिना, एंड आई बिलीव कि मेरी पहली मोहब्बत हमेशा ही म्यूजिक रहेगी, इसीलिए ये साथ बरकरार है फीवर अनप्लग्ड के जरिए। लेकिन आज के हमारे शो पर जो खास मेहमान है, इनके एक गाने से पूरे हिंदुस्तान को इनसे पहली आखिरी मोहब्बत
होती गई। ये है एक म्यूजिक रियलिटी शो के बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंगर दर्शन रावल। हाय दर्शन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। पिछली बार हम जब मिले थे तब तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी कंटेस्टेंट थे वो यहाँ पर आए थे। एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर योरसेल्फ। तो आज कुछ खास मुद्दे पर आए हैं आप, रीजन व्हाई यू हैव कम। बिल्कुल, तो प्लीज हमारे लिसनर्स के लिए शेयर कीजिए। बिल्कुल, तो मैं आया हूँ, मैंने एक गाना गाया है। ओके, मेरे निशा, एक नया खूबसूरत शो आ रहा है तो उसके अंदर मैंने एक गाना गाया है मेरे निशा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, दे लव द सॉन्ग। हमने ये गाना बनाया था थोड़े दिनों पहले, कुछ टाइम पहले। एंड ये गाना मैं अभी तक जितने भी गाने गाता हूँ वो बड़े क्यूट से गाने हैं। ये इट इज अ मैच्योर सॉन्ग जहाँ पे एक मेरी डिफरेंट साइड देखने को मिलती है। सो वो ट्राई किया to this lovely number. लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर हो, बढ़िया मौसम है, बारिश का सीजन है, एक गाना जो हमारे लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, it's raining for everyone जो अभी सुन रहे हैं, उन सब के लिए गाना है especially. तेरे चेहरे पे बारिश की बूंदे मैं देखूं, गुम हो जाऊं तेरे चेहरे पे बारिश की बूंदे मैं देखूं, गुम हो जाऊं कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंख भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं, मैं खुद को पागल कह दूं, तू गम दे खुशियां सब सहलूं साथ यार, कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। ओ गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया, कभी जो बाद बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश, चेहरे पे बारिश की बूंदे मैं देखूं। आज के हमारे स्पेशल मेहमान द सिंगर ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग मेरी पहली मोहब्बत, जिन्हें आपने एक टेलीविजन म्यूजिक रियलिटी शो पर देखा है, दर्शन रावल। फीवर अनप्लग्ड पर मैं हूँ आरजे उर्मिन। एंड दर्शन, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने का टाइम आ गया है। आर यू सिंगल और आर यू डेटिंग समवन? नहीं नहीं, आई एम सिंगल। क्योंकि मैंने कहीं तो तुम्हारे विकिपीडिया पेज पर हो या फिर यू नो सम पेज ऑन द नेट मैंने चेक किया था, तो लिखा था स्टेटस सिंगल ब्रैकेट में नॉट श्योर। ये क्या होता है? I'm single. और मैं खास तौर से ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जिस शो की बात कर रहे हैं, फिर भी ना माने बदतमीज दिल, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टैगलाइन है जो कहता है कि कभी कभी दिल ही बन जाता है अपनी लव स्टोरी का विलन। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ लव स्टोरी में तो नहीं हुआ, पर मेरे करीबी लोगों के साथ हुआ है ये, क्योंकि अच्छा। मैं विलन बन जाता हूँ कभी कभी। तो आई थिंक ये हमेशा होता है, जैसे मेरे साथ होता है कि मैं गायब हो जाता हूँ मेरे म्यूजिक के लिए कहीं ना कहीं। सो मेरे करीबी लोग वाले जो होते हैं उनको ये रहता है कि वेर हैव यू लॉस्ट, कहाँ गुम हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं। तो आई थिंक वहां पे मैं विलन बन जाता हूँ, क्योंकि मैं वहां पे सेल्फिश हो जाता हूँ, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूँ, खुद के म्यूजिक के बारे में सोचता हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि आपकी पहली मोहब्बत और आखिरी अभी तक के लिए तो आपका म्यूजिक है? हाँ, म्यूजिक है। तो ये गाना जो है मेरी पहली मोहब्बत, ये गाना बना कैसे? ये एक इंस्पिरेशन था, जैसे मैं हमेशा किसी, मेरा म्यूजिक इज रिलेटेड टू व्हाट आई सी, व्हाट आई फील, जो मैं लोगों के अंदर देखता हूँ या जो स्टोरीज हैं। तो मैंने एक चीज सोची कि हमेशा पहली मोहब्बत जो होती है वो इंसान के साथ आखिर तक रहती है, फिर बीच में चाहे दो तीन चार पांच छह जितनी मोहब्बत आ जाए वो तो लोगों के आते हैं, पहली मोहब्बत इज वेरी इनोसेंट।
इसलिए मैंने ये गाना बनाया. इट्स वेरी सिंपल और इसीलिए लोगों को आई थिंक कनेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं, जितनी बार भी ये गाना सुना होगा तो उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत को याद किया होगा. तो अच्छा, बट लास्ट टाइम आई मेट यू आई हैव टू से दिस दैट पीपल वुमेन स्पेशली आर वेरी पोजेसिव अबाउट यू. पिछली बार मैंने दर्शन के साथ एक फोटो डाला था ऑन ट्विटर, इतने रीट्वीट्स आए और उसके बाद जो मुझे रिप्लाई आए थे, हे भगवान, मैं डर गई थी. मैंने कहा मैं अंडरग्राउंड हो जाती हूँ, मैं कहीं छुप जाती हूँ. बट आई एम ग्लैड कि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है इन लोगों का. आई एम ग्लैड कि मुझे इतना पसंद कर रहे हैं मेरे. लवली लवली. तो आपकी पहली मोहब्बत के लिए और जितने लोगों को आपसे मोहब्बत है उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल हो जाए मेरी पहली मोहब्बत. वो नशा ही क्या जिसमें तू मुझे ना मिला, सुबह ही क्या जिसमें तेरा चेहरा ना दिखा. मेरे ना 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 ना, मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले. 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुचि है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो. मेरी पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत है वो ओ मेरी, जहां तुम हो कहां ढूंढे तुझे मेरा दिल, दस्तूरिया तुम हो मेरी, जो मैं कहूं सुन लो ना तुम. तुम्हें बार बार कह दूं, ये 1000 बार कह दूं, कहता मैं जाऊं तुमको. मेरी पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत. मैं हूँ आरजे उर्मिन फीवर 104 FM पर. दर्शन रावल आज हमारे साथ. आई एम हैविंग अ लवली म्यूजिकल टाइम विद यू दर्शन. आई होप यू आर एंजॉयिंग. या आई एम एंजॉयिंग. लवली. अच्छा, बिफोर दिस म्यूजिक रियलिटी शो जो कि आप टीवी पे करते थे, आपका एक खुद का बैंड था. जी जी जी. क्या नाम था इस बैंड? इट वाज डिपजिप. डिपजिप. हाँ, क्योंकि नाम इसलिए ऐसा था क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था. अच्छा. तो मेरा पहले से फोकस ही था कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसका मतलब ना हो, क्योंकि 5 साल के बाद उस नाम को मैं खुद मतलब दूं, 5 या 10 साल बाद जब लोग मुझे पहचान. इंटरेस्टिंग. सो अब उस बैंड में कुछ और चीजें हो रही है और डेफिनेटली वी आर मेकिंग सॉन्ग, वी सिट टुगेदर, वी जैम. ओके. हमारा मतलब इट वाज लाइक टू मेक सॉन्ग्स, बस गाने बनाने. लवली. अब जो हाल ही में हम जो शो की बात कर रहे हैं, जी, 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 फिर भी ना माने बदतमीज दिल, इस शो के कैरेक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, अबीर और मेहर? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सबसे पहले मैं कहूंगा ये पहला ऐसा शो है टीवी पे जहाँ पे एक सीरियल के अंदर 16 से 17 गाने बनाए जा रहे हैं, नए गाने कंपोज किए जा रहे हैं, जिसका फ्लेवर इज वेरी मच यूथ, जो लोगों को कनेक्ट कर सकता है आज का म्यूजिक, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक एक फिल्म में ये होता रहता है कि गाने बनाने वी हैव टू कंपोज, एक इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट जहां पे म्यूजिशियन लिरिसिस्ट आते हैं, सिंगर्स आते हैं, कंपोजर अरेंजर, इट्स अ बिग प्रोसेस. तो ये एक डेली सोप के अंदर दे हैव डन दिस एंड जो कैरेक्टर्स हैं अबीर एंड मेहर, सुपर इंटरेस्टिंग. आई सेड के द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लव ईगोस एंड एवरीथिंग, एंड तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कैरेक्टर. मुझे जब समझाया गया कि ही इज अ वेरी फेमस वीजे, वो खुद एंड इन रियल लाइफ ही सिंग्स वेल, उनका आवाज भी मेरे से मैच होता है. वाओ. Yes, he writes also. So, बड़ा मैच था. पता नहीं कैसे सेट हो गया. Superb. तो वेरी गुड. मुझे बताओ कि कौन सा गाना अब हमें सुनाने वाले? ब्यूटीफुल सॉन्ग पहला नशा, जिसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया हुआ है. फूलों जैसी जरा सी महकी महकी, मुझे तू मेरी लगती है, मुझे तू प्यारी लगती है. फूलों जैसी जरा सी महकी महकी, मुझे तू प्यारी लगती है, मुझे तू मेरी लगती है. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना,
दिले में करा मेरे दिले में करा तू ही बता तेरी शैतानिया तेरी नादानिया मुझे अपनी लग दी है अपनी लग दी है तुझे कर दूं इजहार मेरे प्यार का मेरे यार तू ही तो है नशा मेरा तू ही तो है मेरा पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हार ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता ये पहले शब्द से आपको बहुत ज्यादा प्यार है मुझे लगने लग गया है पहला नशा पहली मोहब्बत चलो पहले की बात कर ही रहे हैं तो आई मस्ट टेल यू दैट आप वो पहले सिंगर हैं जो हमारे फीवर अनप्लग शो का हिस्सा है जिनके बॉलीवुड में भले ही गाने ना हो मगर फिर भी बहुत फेमस हैं और पब्लिक डिमांड पर आप यहाँ पर हो सो आई थिंक ये भी पहली चीज है हमारे शो पर हो रही है वाओ एंड आई एम ग्लैड एंड आई विल जस्ट आल्सो वुड लाइक टू टेल दैट बहुत जल्दी मेरे गाने भी आ रहे हैं लवली देखो उससे पहले ही हमने इनके गाने गवा लिए हैं फिर बड़े इंसान होंगे तो वक्त नहीं मिलेगा नहीं बट आई एम ग्लैड कि मुझे लोगों के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है वंडरफुल फीवर 104 एफएम पर दैट्स दर्शन फॉर यू मैं हूँ आरजे उर्मिन और भी बातें इनफैक्ट इसी शो का जो गाना है जिसके बारे में हम बातें कर ही रहे हैं वो हम लेकर लौटेंगे इन अ शॉर्ट व्हाइल अब बने रहिए फीवर